हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह लैंग्वेज कैसी है, इसे प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है, इसका क्या यूज है। तो आइए दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता से। तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, देखिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे प्रोग्रामिंग भाषा या कोडिंग भी कहा जाता है, यह एक कृत्रिम भाषा होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको अपनी बात किसी इंसान के सामने रखनी है तो आप इंग्लिश, हिंदी जैसी इंसानी भाषाओं में अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंप्यूटर या मशीन को आप कुछ बताना चाहते हैं या उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर मशीन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इसलिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी होता है। अब देखिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। प्रोग्रामिंग भाषा एक कंप्यूटर भाषा है जो प्रोग्रामर डेवलपर्स द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि बातचीत करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी भी विशिष्ट भाषा C++, जावा, पाइथन में लिखे गए निर्देशों का एक समूह है, यानी कि कोड ऑफ ब्लॉक है। आसान शब्दों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसी भाषा होती है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को बताया जाता है कि उसे क्या करना है। यह एक ऐसे भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझ पाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वास्तविक में प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है। जितने भी सॉफ्टवेयर, ऐप्स, वेबसाइट्स, गेम्स हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, यानी कि या हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देखते हैं, वे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनाए जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आप आसानी से सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग भाषा मुख्य रूप से डेस्कटॉप ऐप, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स पर काम करती है। जिस प्रकार हम इंसानों की भाषा व्याकरण ग्रामर पर चलती है, ठीक उसी प्रकार प्रोग्रामिंग भाषा विशिष्ट सिंटैक्स पर कार्य करती है। वैसे तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपलब्ध हैं, लेकिन जावा, पाइथन, C++, PHP, स्विफ्ट, कोटलिन, C#, आर, यह कुछ प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब ये दोस्तों, हम देखते हैं आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है आपको। ये देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए, इसके दो टाइप दिखाए गए हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जबकि हाई लेवल में दिखाया गया इधर C++ और जावा। जिस प्रकार इंसानों की भाषाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे जो है दूसरा चित्र दिखाया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसमें भी दो लैंग्वेज दिखाई गई है कि हाई लेवल और लो लेवल होती हैं, और हाई लेवल में जो है तीन प्रकार की लैंग्वेज हैं और लो लेवल में है दो प्रकार की। तो लो लेवल में देखिए, पहले मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दो प्रकार की हैं, और हाई लेवल में देखिए प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब देखिए लो लेवल देख लेते हैं पहले। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जैसी इंसानी भाषाएँ समझ में नहीं आती हैं, इसलिए अगर कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हमें बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज 0 या 1 ही समझ पाता है। लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को प्रोसेस करने में प्रोसेसर को ज़्यादा समय नहीं लगता है, और लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम जल्दी से ही रन हो जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को भी दो भागों में विभाजित किया गया, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, एक जो है मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। तो देखिए, मशीन लैंग्वेज देख लेते हैं पहले। मशीन लैंग्वेज, जिसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है, यह लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रकार है। इस लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को बाइनरी 0 और 1 में लिखे जाते हैं, जो है 0 और 1 में जो है इन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, इसलिए यह लैंग्वेज पढ़ने में आसान होती है
और इस लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि ट्रांसलेटर मतलब हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसकी ज़रूरत जो है नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को सीधे समझ सकता है। अब आइए दोस्तों हम दूसरी लैंग्वेज देख लेते हैं लो लेवल में, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज यह भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि जिसे इंसान आसानी से समझ सकता है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए एक असेंबलर का उपयोग किया जाता है। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। असेंबली का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसे रन करने के लिए कम मेमोरी खर्च होती है और असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम भी जल्द ही रन हो जाता है। अब आइए दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज देखते हैं, लो लेवल लैंग्वेज के फायदे। लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को काफ़ी तेज़ी से रन किया जा सकता है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से ये प्रोग्राम जो है रन हो जाते हैं। दूसरा देखिए, लो लेवल लैंग्वेज में मेमोरी कम खर्च होती है। प्रोग्रामर लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोसेसर और मेमोरी का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पे जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर हाँ हमें यहाँ पे असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। लो लेवल लैंग्वेज सीधे हार्डवेयर उपकरणों के साथ संवाद कर सकती है, यानी कि हम सीधे डायरेक्ट मशीन से कन्वर्सेशन कर सकती है। अब हम दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज के नुकसान देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके विकसित किए गए प्रोग्राम्स पूर्णतः मशीन पर ही डिपेंड होते हैं और वे पोर्टेबल भी नहीं होते हैं। नंबर 2, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम डेवलप करना और डिबग करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 3, लो लेवल लैंग्वेज में एरर्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 4, इस लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में आमतौर पर खराब प्रोग्रामिंग उत्पादकता होती है। नंबर 5, प्रोग्रामर को लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए विशेष मशीन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अतिरिक्त ज्ञान होना चाहिए। अब दोस्तों हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, दूसरा टाइप था, तो देखिए दोस्तों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स और वेबसाइट बनाने के लिए बनाई गई है, यानी कि डेवलप की गई है। इसे समझना, लिखना, पढ़ना और इस्तेमाल करना एक डेवलपर के लिए काफ़ी आसान होता है। लो लेवल लैंग्वेज डेवलपर को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है और लो लेवल लैंग्वेज से यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम सीधे मशीन पर रन नहीं हो सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स रन करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको बताया था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो सी, सी प्लस प्लस को हम देखिए दोस्तों कंपाइलर पर रन करते हैं, आपको पता होगा, और इंटरप्रेटर जो है हमारी पाइथन भी यूज होता है, पाइथन के प्रोग्राम को इंटरप्रेट किया जाता है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लो लेवल मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ लो लेवल वाली मशीन लैंग्वेज 0 और 1 समझ में आती है। पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, PHP, C#, C++, ऑब्जेक्टिव सी, कोबोल, पर्ल, पास्कल, यह कुछ प्रसिद्ध हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी 3 टाइप होते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 देख लेते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है और यह प्रोसीजर कॉल कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोसीजर्स यानी कि प्रोसेस में विभाजित किया जाता है। POP लैंग्वेज का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसकी सहायता से सॉफ्टवेयर के जो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपने प्रोग्राम के फ्लो को ट्रैक करना आसान होता है और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को डेवलपर अपने प्रोग्राम में अलग अलग तरीकों से फिर से उपयोग कर सकता है। सी, फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल आदि यह कुछ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए दोस्तों नंबर 2 देख लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारा ऑप्स को कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट पर आधारित एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
इसमें प्रोग्राम्स को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में ओओपी ऑप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कंसेप्ट जाने वाला कंसेप्ट है। इसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज, एब्स्ट्रैक्शन जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओप की विशेषताओं की बात अगर हम बात करें तो यह फास्ट और समझने में काफ़ी आसान होती है। C++, जावा, पाइथन, C# आदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल हैं। नंबर 3 देख लेते हैं, नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन और उर्दू जैसी मानव भाषाओं का एक हिस्सा है। इसका उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषा को समझने, हेरफेर करने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे ट्रांसलेशन, विषय विभाजन आदि। नेचुरल लैंग्वेज का मुख्य लाभ यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी विषय में प्रश्न पूछने और सेकंड के भीतर सीधे जवाब देने में मदद करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के फायदे। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो है इसे लिखना, डिबग करना आसान होता है। यह एक मशीन स्वतंत्र यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। यह किसी भी मशीन पर डिपेंड नहीं रहती है। हाई लेवल लैंग्वेज सीखने में आसान है। इस लैंग्वेज में एरर्स आने की संभावना कम होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में एरर्स को ढूंढना और उन्हें डीबग करना आसान होता है। हाई लेवल की प्रोग्रामिंग के परिणाम स्वरूप यह बेहतर प्रोग्रामिंग उत्पादकता होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अब हम नुकसान देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसके सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए जो है हमें ज़्यादा समय लग जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स लो लेवल के प्रोग्राम्स की तुलना में स्लो होते हैं। लो लेवल की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज की तरह सीधे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने की क्षमता नहीं होती है। नंबर 3, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज हाई लेवल और लो लेवल के बीच में स्थित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहा जाता है। मिडिल लैंग्वेज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लैंग्वेज हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस के फीचर को सपोर्ट करती है और यह यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। सी और C++ यह दोनों मिडिल लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आइए दोस्तों सबसे अधिक जो है हम किन लैंग्वेजेस का उपयोग करते हैं देख लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बैंकिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ऑटोमोबाइल्स, फाइनेंस जैसी सभी जगहों पर होता है। इसलिए इन जगहों पर लगने वाले अलग अलग सॉफ्टवेयर की डिमांड भी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अभी अभी के समय में कौन सी लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा यूज की जाती है? आइए हम आपको बताते हैं। आजकल केवल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न कामों के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया में दर्जनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाएं नीचे दी गई हैं। देखिए दोस्तों, जिनमें जो है मुख्यतः पाइथन, जावा, C++, C#, जावास्क्रिप्ट, PHP, गो, रूबी, ये जो है मुख्यतः हम इन्हें यूज करते हैं। यह जो है बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।